स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसटीएस प्राइम। इस वीडियो में अपन बात करेंगे डिफेंसिव स्टॉक के बारे में, कि ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट गिरता है फिर भी उतने ज्यादा नहीं गिरेंगे मार्केट के तुलना में, या फिर अगर पूरी इकोनॉमी कोलैप्स होती है, या फिर इकोनॉमी का परफॉर्मेंस खराब होता है, या फिर किसी सेक्टर का परफॉर्मेंस खराब होता है, या पूरे इंडेक्स का परफॉर्मेंस खराब होता है, निफ्टी साल में रिटर्न नहीं दे पाता, या फिर निफ्टी का जो रिटर्न खराब होता है सब कुछ, अगर जीडीपी ग्रोथ कम होती है, इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो इन सब प्रॉब्लम्स के दौरान भी ऐसे स्टॉक में इस सीरीज में अपन ये चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से स्टॉक है जिनके बिजनेस पे इतना ज्यादा इफेक्ट होगा नहीं, उनका अगर आज प्रॉफिट कमा रहे हैं तो अगर इकोनॉमी सुस्त भी हो जाती है, इकोनॉमी अच्छा नहीं कर पाती है, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो भी उनके बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसा बिजनेस उनका आज चल रहा है वही लॉन्ग टर्म में चलता रहेगा, उनके बिजनेस पे बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे स्टॉक के बारे में इस सीरीज में अपन चर्चा करेंगे। ये है डिफेंसिव स्टॉक की सीरीज, कि इसमें अपन डिफेंसिव स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि ऐसा कौन सा स्टॉक्स है या कौन सा शेयर है जो एकदम डिफेंड कर सकता है इस प्रॉब्लम को, चाहे मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, सेल्स इतनी नहीं बढ़े, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, करंट अकाउंट डेफिसिट, इंटरेस्ट रेट, बहुत सारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो अगर फेल भी हो जाते हैं या फिर उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भी रहता, तो अपन ऐसे स्टॉक की इसमें बात करेंगे जिनपे इनका कोई भी असर नहीं पड़ेगा या फिर बहुत कम से कम असर पड़ेगा, तो डिफेंसिव स्टॉक इसको अपन कहेंगे। तो इसमें आज बात करते हैं अपन क्रिसिल की। क्रिसिल क्या है? क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है, जैसे कि केयर है, जैसे कि नोमोरा है, जैसे कि फिंच है, बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, तो उसी तरह क्रिसिल भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सभी को क्रेडिट रेटिंग देना, चाहे म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक हो, कोई सेक्टर हो, जीडीपी की ग्रोथ का प्रेडिक्शन हो, इन्वेस्टमेंट का प्रेडिक्शन हो, करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रेडिक्शन हो, आरबीआई की क्या चांस रहेगा आने वाले दिनों में उसका प्रेडिक्शन हो, बॉन्ड में क्या हो रहा है, डेट मार्केट में क्या हो रहा है, जो भी सिक्योरिटीज है लाइक बॉन्ड हुआ, शेयर हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, जो भी सिक्योरिटीज है, जो भी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या सिक्योरिटीज है, उनको रेटिंग देती है ये रेटिंग एजेंसियां। मीन्स रेटिंग मीन्स इनको एक कैटेगराइज करती है ये, कि कौन सा स्टॉक, कौन सी सिक्योरिटी, कौन सा म्यूचुअल फंड, कौन सा बॉन्ड, कौन सा डिबेंचर, कौन सा भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो कितना अच्छा है, उसकी रेटिंग डिसाइड करती है। जैसे कि ट्रिपल ए रेटिंग, ट्रिपल ए प्लस रेटिंग, बी रेटिंग, ए रेटिंग, ये ग्रेड में डिवाइड कर देती है कि ये अच्छा स्टॉक है या फिर ये अच्छा म्यूचुअल फंड है, ये उससे कम अच्छा है, ये उसको एक डिवाइडेशन कर देती है। उससे क्या एक इजी काम ये हो जाता है, किसी इन्वेस्टर को अगर इन्वेस्ट करना है तो वो इन रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग देख के इन्वेस्ट कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, कोई एनालिसिस नहीं किया है, तो रेटिंग एजेंसी ने जो रेटिंग कर रखी है उसने तो एनालिसिस किया है, मीन्स रेटिंग एजेंसी ने एनालिसिस किया है, तो उसके बिहाफ पे वो उस पर अपना व्यू बनाता है। कोई भी इन्वेस्टर हो तो अपना व्यू उस हिसाब से बना लेता है वो। तो इन रेटिंग एजेंसियों का ये बेसिकली यही वर्क होता है, ये किसी भी सिक्योरिटीज को रेट करती है, अच्छा बुरा, बुरा से बुरा, इसी कैटेगरी में ये रेट करती है। तो बात करते हैं इसके फ्यूचर की, कि कितना अच्छा इनका फ्यूचर रहेगा, या फिर इनके बिजनेस पे, जैसा कि अपन बात कर चुके हैं, इनके बिजनेस पे तो इफेक्ट आना ही नहीं है, क्योंकि अगर इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है या फिर ग्रोथ नहीं हो पा रही तो भी इनको तो रेटिंग करना है, अच्छी की जगह बुरा रेट करना है, बट इनका बिजनेस थोड़ी ना कुछ होना है। मार्केट में क्रैश भी आता है तो भी इनको रेट करना है, अच्छे को अच्छा रेट करना है, बुरे को बुरा रेट करना है। मीन्स इनका रेटिंग का जो बिजनेस है, मार्केट चाहे बढ़ो या मार्केट चाहे घटो, स्टॉक चाहे बढ़ो स्टॉक चाहे घटो, सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा रहो या मत रहो, बट इनका जो रेटिंग बिजनेस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। ये रेटिंग बिजनेस मार्केट डाउन होगा तो भी रेट करना है, मार्केट अप रहेगा तो भी रेट करना है, इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही तो भी प्रेडिक्शन इनको देना है कि कौन सा सेक्टर कितने में बढ़ेगा, कितनी ग्रोथ होगी, कितना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई या फिर WPI बढ़ेगा, जो भी इन्फ्लेशन कितना बढ़ेगा, ये सब इनको रेट करना होता है। इनपे जो डेटा रिलीज करते हैं ये, कि कब क्या चेंजेस होंगे इकोनॉमी में, तो ये उनको तब भी करना है, मार्केट गिरेगा तब भी करना है।
तो इनका बिजनेस तो स्टेबल है, बिजनेस में बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं इसकी ग्रोथ की। तो जैसा दोस्तों आपको पता है कि हर दम मार्केट में नई नई सिक्योरिटीज लोन्स हो रही है, नए म्यूचुअल फंड आ रहे हैं, नई कंपनियां लिस्ट हो रही है, नए नए सेक्टर ओपन हो रहे हैं, और उसके बावजूद नए नए बॉन्ड रजिस्टर हो रहे हैं, नए नए फ्यूचर आ रहे हैं। जैसे कि इंडिया में बात हो रही है कि विंड फ्यूचर और जो अपना मानसून का फ्यूचर, ये भी ट्रेड करेंगे आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट पे, कि मानसून कब आ रहा है, कब लेट आएगा, जल्दी आएगा, उसका फ्यूचर भी इस पे ट्रेड करेगा। ऐसा अंजम्पशन है, बहुत सारे ने बातें करी है इसके बारे में कि हमारे यहाँ एक मानसून का फ्यूचर भी ट्रेड होना चाहिए मार्केट में। और बात करो तो आप जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, मैंने एक न्यूज सुनी थी कि जो एमपी का म्युनिसिपलिटी कॉरपोरेशन है भोपाल और इंदौर का, उनके खुद के बॉन्ड भी एनएससी पे लिस्टेड है। अब देखो म्यूचुअल मतलब म्युनिसिपलिटी के बॉन्ड भी ट्रेड करते हैं एनएससी पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। तो दिन फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारा चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी नई नई सिक्योरिटीज इंट्रोड्यूस हो रही है, तो फाइनेंशियल मार्केट में इसको बढ़ रहा है। अगर फाइनेंशियल मार्केट में इंस्ट्रूमेंट बढ़ेंगे, सिक्योरिटीज बढ़ेगी, तो इनका भी बिजनेस बढ़ने वाला है, क्योंकि इनको रेटिंग करने पे इनको प्रॉफिट होता है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ये रेट करते हैं तो प्रॉफिट होता है, तो ये इनका एक प्रॉफिट का एक नजरिया है। दूसरी बात करते हैं इसकी क्रिस्टल की। तो क्रिस्टल का सबसे बड़ा जो इसके पास एडवांटेज है ये है कि ये S&P की सब्सिडियरी कंपनी है। S&P जिसे आप जानते हो कि स्टैंडर्ड एंड पुअर, जो कि डाउ जोन का मैनेजमेंट करती है, जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में जो डाउ जोन ट्रेड होता है उसका मैनेजमेंट करती है। तो S&P एक बहुत बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। स्टैंडर्ड एंड पुअर पूरे ग्लोबल मार्केट के वो डेटा रिलीज करती है कि किस मार्केट में क्या होने वाला है। तो एक बहुत बड़ी फर्म है वो अपने आप में स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P। तो वो ग्लोबली अगर डेटा रिलीज करती है तो केयर ये क्रिसिल उसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो क्रिसिल का मैनेजमेंट भी उतना ही एथिक होगा, उतना ही अच्छा होगा, और इसके रिपोर्ट या इसकी जो इन्वेस्टिगेशन या फिर जो एनालिसिस ये क्रिसिल करके देती है, किसी भी सिक्योरिटीज का रेट करती है, उसकी एक्यूरेसी का परसेंटेज भी उतना ही होगा जितना S&P का होता है, क्योंकि ये उसी की सब्सिडरी कंपनी है, मेन कंपनी वो है, ये उसकी सब्सिडरी है, तो उतना ही एक्यूरेसी क्रिसिल का भी होगा, तो क्रिसिल की रेटिंग उतनी प्रभावी रहेगी। तो क्रिसिल का बिजनेस अपॉर्चुनिटी काफी अच्छा है। तो बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल की, कंपनी का फाइनेंशियल क्या है। तो मार्केट कैप की बात करते हैं तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1400 रुपए पे चल रहा है। स्टॉक का पी 29.36 है। ROCE 41 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 28.98% का ये रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी देती है। सेल्स में ग्रोथ हुई है 9.78% की 3 साल में, तो ये भी काफी अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग 67% है, 67% इसकी प्रमोटर होल्डिंग है, काफी अच्छी बात है। ये टोटल प्रमोटर इसके S&P कंपनी के पास है। प्रमोटर इसकी स्टैंडर्ड एंड पुअर है, जो कि इंटरनेशनली रेटिंग एजेंसी है, तो ये काफी अच्छी। अगर देख लेते हैं अपन दूसरे इसके प्रोज एंड कॉन्स पे जाते हैं, तो ये डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 30% का इसने रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। डिविडेंड अच्छा देती है कंपनी। नेक्स्ट बात करते हैं इसका कॉन्स की, तो ये काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे मिल रही है अभी। 9.35 टाइम्स का बुक वैल्यू है, जो कि केयर रेटिंग जो भी रेटिंग एजेंसियाँ उनका बुक वैल्यू थोड़ा हाई रहेगा, क्योंकि एक स्टेबल बिजनेस है इनका। और बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस की, तो कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है ओवर द ईयर। 2006 में इसको 81 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि बिल्कुल एक रैपिड बढ़ रहा है, 117 एक ये बढ़ते 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 अगर 2017 की अपन बात करें डेटा की, तो इसको 455 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जहां 2006 में इसको 81 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये दिसंबर में 455 करोड़ हो जाता है। इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अपन बात करें, तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा 30 से ऊपर रहा है, 30 के समथिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% है। बात कर लेते हैं इसके नेट प्रॉफिट की, तो 2017 में इसको नेट प्रॉफिट हुआ था 304 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। EPS, जैसा कि अपन मानते हैं कि EPS एकदम बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, साल दर साल EPS बढ़ना चाहिए, तो इस कंपनी में सेम वैसे ही है। EPS बढ़ रहा है, 8 था 11 हो गया, 18 20 25 27 28 29 23 35 37 और 39 का EPS है अभी 2017 में। तो EPS एकदम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है, ये अपन ने 10 साल से भी ज़्यादा का डेटा इसका देखा है। सेल्स की ग्रोथ अपन देखें तो 10 साल में 15% से सेल्स ग्रोथ हुई है इसकी कंपाउंडेड, और प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंडेड हुई है इसकी 13.5-14% के समथिंग।
तो ये भी काफी अच्छी ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी का 10 साल का 36% के हिसाब से ग्रो हुई है। मीन्स अगर इसमें 100 रुपए आपने लगाया तो हर साल इसने 100 रुपए पे 36 रुपए आपको दिए हैं, जो कि काफी अच्छी ग्रोथ है, काफी अच्छा रिटर्न है। आपको बैंक FD में 7% मिलता है, ये 36% दे रही है। अच्छे से अच्छा म्यूचुअल फंड आपको 20% से ज्यादा नहीं दे सकता। मीन्स एक डिफेंसिव कंपनी है और बहुत अच्छा रिटर्न है इसका। इस कंपनी का बिजनेस कहीं नहीं जाना है। इस कंपनी की जो प्रॉब्लम है वो इसमें प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। अगर इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है तो इनकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, एक बेसिक सा काम है इनका, सिंपल सा। बात करते हैं इसके शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल इसने 7 करोड़ का उठाया था वो बिल्कुल स्टेबल है, उसको कभी बढ़ाया ही नहीं इसने, तो ये बहुत अच्छी बात है। शेयर कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है कंपनी के ऊपर, तो उसको नहीं बढ़ाए, डाइल्यूट नहीं करे तो उतना बेटर है। और इनके बारे में आपको डिटेल पता करना है कि डिटेल में क्या होता है, शेयर कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं, बोरोइंग क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, तो इस पे वीडियो में पहले बना चुका हूँ, आप देख सकते हो पास्ट के वीडियो, उसमें डिटेल से समझाया हुआ शेयर कैपिटल क्या होता है। बात करते हैं इसके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स इसके 1000 के समथिंग है, 1076 करोड़ के समथिंग इसके पास पैसा अभी है। बोरोइंग की इनको जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि एक्सपेंशन इनको करना नहीं है, बोरोइंग बिल्कुल चाहिए नहीं, जीरो डेट कंपनी है, अभी इनने कर्जा लिए ही नहीं, जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि इनको सेल्स करनी नहीं होती है, एक मैनेजमेंट होता है जो मैनेजमेंट का काम करता है। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों इसमें कि कंपनी को जो रेटिंग एजेंसियां हैं, ये बिजनेस एक मोनोपोली बिजनेस है, मीन्स इसमें हर कोई एंटर नहीं हो सकता। जो रेटिंग एजेंसियां वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत सारी परमिशंस के बाद एक रेटिंग एजेंसी स्टार्ट होती है, बहुत बड़ी बड़ी इनको परमिशंस लेनी पड़ती है, और बहुत ही बढ़िया बिजनेस है ये रेटिंग एजेंसी का, रेट करना होता है आपको सिक्योरिटी को, तो इसमें बहुत कम मार्केट के कॉम्पिटिटर बहुत कम है इनके, बहुत कम एजेंसियां हैं रेटिंग एजेंसियां, तो इनका प्रॉफिट तो फिक्स है। तो ये है इसका एनालिसिस कि फाइनेंशियल कैसे हैं, इसकी रेटिंग कैसी है, इस कंपनी का फ्यूचर कैसा है, तो ये इसका फुल वीडियो है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये एक डिफेंसिव सीरीज अपन बना रहे हैं कि डिफेंसिव स्टॉक ऐसे अपन उनके बारे में बात करें जिनके बिजनेस मॉडल को कुछ भी नुकसान नहीं होगा अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं चलती है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है, GDP ग्रो नहीं होती है, सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी अगर मार्केट में होता है, फिर भी ऐसी कंपनियां अपन छांट के इसमें बात करेंगे कि वो डिफेंसिव रहे, मार्केट में गिरावट आए बट वो नहीं गिरे, उनके प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़े। तो ऐसी डिफेंसिव कंपनियों की चर्चा अपन इस डिफेंसिव सीरीज के वीडियोज में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।